कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 75 केंद्रों पर कुल 19,842 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 से ऊपर के 8,334 लोगों को और 45 साल से ऊपर के 11,508 नागरिकों का कोविड का टीकाकरण किया गया। टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोविड का टीकाकरण कराने वाले लोगों एवं CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, मेरा नाम देवेंद्र लाल है, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में खेल निदेशक हूँ, मोदीपुर से। वैक्सीन हो गया? हाँ। क्या था? क्या था? बहुत अच्छा लगा। वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा है कि जैसे इस वायरस को रोका जा सकता है, और इंजेक्शन जितना ये वैक्सीनेशन होगा वायरस उतना कम होगा, जड़ से इसको ख़त्म करना है। रजिस्ट्रेशन कब कराया था? रजिस्ट्रेशन में कल ही कराया था और तुरंत कल ही हो गया, डेट मिल गया, फास्ट काम हो रहा है जैसे इसके आगे। गौरी लखमान, यहीं से गोरखपुर से। वैक्सीनेशन हो गया आपका? जी हो गया। कैसा लगा? कुछ नहीं, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक दर्द था, कुछ दर्द वर्द भी नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन कब कराया था? कल। नहीं, रजिस्ट्रेशन में वही दो तीन बार देखना पड़ा टाइम स्लॉट के लिए, वरना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। प्रतीक सिन्हा मेरा नाम है, यही छोटे गाजीपुर से आए हैं। वैक्सीनेशन कोई दिक्कत नहीं हुआ है, अच्छी सुविधा थी, तुरंत पता भी नहीं चला। सबको बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, ऑनलाइन हो गया, आसानी से स्लॉट मिल गया था एक दिन में। पहले दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में, अभी एक दिन पहले स्लॉट बुक किया था, आसानी से मिल गया। बाकी लोगों से क्या कहेंगे? सब लोग आइए, आराम से वैक्सीन लगवाइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्शन बहुत ही पतला है, नीडल बहुत ही पतला है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग साथ में बीमारी को भगाएंगे। सौम्य अग्रवाल, दीवान बाजार, गोरखपुर। आज वैक्सीन लगवाया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहिए? क्या बाकी लोगों से क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उससे कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वैक्सीनेशन करवाने से। आज अभी 75 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, उसमें से 34 जगहों पर 18 प्लस का टीकाकरण चल रहा है, बाकी पर 45 प्लस का टीकाकरण हो रहा है। कल हमारे ज़िले में 12,000 की से ज़्यादा का टीकाकरण हुआ, तो टीकाकरण का ये लक्ष्य के सापेक्ष हमारा टीकाकरण हो रहा है, और थोड़े दिन में ही हम और भी सेंटर बढ़ा देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीकाकरण होना शुरू होगा। सर, लोगों से क्या लोग समय आने पर अपना टीकाकरण जरूर कराएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, वो भी पूरा अच्छी तरह से मास्क लगाएं, जिसमें नाक ढकती रहे। ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ में बिल्कुल न जाएं।